9 बज गए के इस हिस्से में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं नेहा बाथम। बिहार चुनाव की एक बार फिर से बात करेंगे, जिसमें ओवैसी ने क्या वोट काटने वाले दल के आरोपों का जवाब दे दिया है। कुल 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते हैं, तो क्या नजरें अब बंगाल पर भी हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए, अब तो बी टीम सी टीम वोट कटवा पैसे लेते हैं फुला करते हैं। इस चुनाव के परिणामों में यूं तो 2020 वाला ही रोमांच रहा, पल पल आंकड़े बदलते रहे, सांसें ऊपर नीचे होती रही कि अब की बार किसका बिहार। मगर इस चुनावी समर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। AIMIM ने बिहार में 5 सीटें जीत ली। अमोर में AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की। कोचाधामन में AIMIM के मोहम्मद इजहार असफी जीते। जोकीहाट में AIMIM के शाहनवाज आलम जीते। बैसी में AIMIM के रुकनुद्दीन जीते। बहादुरगंज में AIMIM के अजहर नईमी जीते। इस जीत से असदुद्दीन ओवैसी गदगद है। तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही, और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भले ही मुस्लिम समुदाय का नेता होने का टैग लगा हो, मगर ओवैसी ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके प्रत्याशी इसलिए जीते क्योंकि उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है, तो उसमें क्या बुरी बात है, लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो वह जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जीत मिली है इसलिए ओवैसी की बातों में वजन दिखता है, मगर यही ओवैसी हैं जिनकी पार्टी को बिहार में वोट कटुआ पार्टी कहा जाता था। हालांकि वोट कटुआ वाले मसले पर भी ओवैसी पहले ही जवाब दे चुके हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए, अब तो बी टीम सी टीम वोट कटुआ पैसे लेते हैं फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। बात सिर्फ वोट कटवा तक नहीं है, ओवैसी को कांग्रेस ने पूरे चुनाव में बीजेपी की बी टीम कहा। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ खड़े आकर खड़े हो जाते हैं। आरएसएस और ओवैसी AIMIM एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से बगैर घबराए असदुद्दीन ओवैसी डटे रहे। उन्होंने बिहार के समर में 60 से ज्यादा रैलियां की। वो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान लगाए रहे और परिणाम सामने है। आज तक देरो सुजीत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जितेन बहादुर सिंह भी बने हुए हैं। सबसे पहले सुजीत आपका रुख करते हुए, AIMIM पार्टी को कभी वोट कटवा कहा जाता रहा, कभी उन्हें बी पार्टी बताया जाता रहा, लेकिन सब बातों से तर 5 सीटों पर जीत हासिल की है, क्या संकेत मिलते हैं इससे आने वाले वक्त के लिए? देखिए नेहा, AIM के एक जो संकेत है आप कह सकती हैं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें साफ निखर कर सामने आया कि पहला उन्होंने खाता खोला था किशनगंज सीट जीतकर, और उसी समय से लगने लगा था कि ओवैसी का खास तौर पर जो सीमांचल के जो 24 सीटें हैं उस पर काफ़ी वो काम कर रहे थे, काफ़ी दिनों से उस पर उनकी पार्टी जो है वहाँ पर पार्टी के जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन 5 सीटें आना बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है, और जो इस बार का माहौल था महागठबंधन में जिस तरह से आप जो एक समीकरण लेकर चल रहा था महागठबंधन, उसमें 5 सीटें आना एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से ओवैसी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ओवैसी ने जब अपने गठबंधन के जो यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट
गठबंधन बनाने से पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ये गठबंधन में शामिल हुए तो उन्होंने कुछ खास सीटों को चुना। और ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और बिहार चुनाव में चिराग ने अपनी ही पार्टी को सियासी आग में फूंक दिया बड़े तामझाम के साथ। नीतीश को दुश्मन मानकर चुनाव लड़ा, लेकिन वोटर्स ने सिर्फ एक सीट थमा दी। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। दो ढाई तीन चार पाँच साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंड लॉक है। क्या पंजाब नहीं है लैंड लॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहाँ पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहाँ पर उद्योग आ सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। सात निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है उसमें LJP को एक सीट मिली है। LJP के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद JDU को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि JDU को जलाने की, लेकिन चिराग राग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लोजपा का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा बेहद खराब, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी की यहाँ पर चिराग पासवान ने उसको एक वजह माना जाए, या फिर पूरा अस्तित्व ही उनका NDA पर टिका हुआ था उसकी वजह से उनका वोट कम हो गया? लेकिन एक बात और है, उनके पिताजी का ठीक बिहार चुनाव से एंड पहले निधन हो जाना और एक बड़ा चेहरा ना होना लोजपा का, ये भी उनके फेवर में नहीं रहा। देखिए नेहा, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा झटका लोक जनशक्ति पार्टी और सीधे सीधे चिराग पासवान को लगा है। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी आधे से कम पर सिमट गई है, एक सीट आई है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये कि चिराग पासवान ने अपना काम कर दिया या ये कहें करते करते रह गए। आज BJP गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं, अगर 3-4 सीटें कम हो जाती तो नज़ारा या कह सकते हैं कि हालात कुछ और होते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर JDU को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ये तय कर लिया था कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचा करके दम लेंगे, तो भले ही NDA की सरकार आ गई, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का नुकसान किया। हालांकि खुद को भी जला लिया एक तरीके से, वो हनुमान बन के घूमते रहे, अपनी पूंछ में आग लगाई। एक बात और चर्चा इसमें निकल रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने
घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है, उसने बीजेपी को ही फायदा पहुंचाया। आप देखिए, पिछली बार बड़े भाई की भूमिका से अब छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ गई है, उनकी सीटें आधी से भी कम हो गई हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो अपना काम करना था किया है, लेकिन खुद को भी जला लिया है, ये बात भी सच है। और इससे पार्टी कब और कैसे उभरेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुजीत झा और कुमार अभिषेक हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे बिहार इलेक्शन को लेकर और किस तरीके से लगातार अब नीतीश कुमार की जो सीटें कम हुई हैं, उनकी पार्टी की सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।